आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आलू का सब्जी बनाने के लिए मसाले में प्याज लिए हैं और थोड़ा सा अदरक लिए हैं और थोड़ा सा लहसुन लिए हैं। इसको सबको पीस लेंगे पानी डाल के। मसाले को पीस लिए हैं। सब्जी में डालने के लिए जीरा को भून लेंगे, भून के निकाल लिए हैं, बाद में डाल। 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे 2 से 3। तड़के में 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज लाल हो गया, मसाला डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सूखे मसाले में लिए हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। सूखे मसाले डाल देंगे। अब थोड़ा सा मसाले को पकते हुए 10 मिनट हो गए, अब गरम मसाला डाल देंगे। अब बॉयल आलू डाल देंगे मैश करके। 2 गिलास पानी डाल देंगे। कसूरी मेथी डाल देंगे सब्जी में। भुना हुआ जीरा लिए हैं हाथ से मसल के, इसको सब्जी में डाल देंगे। और आप धनिया भी डाल सकते हैं, कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे सब्जी में। लीजिए, बन के तैयार है पूरी से खाने वाली आलू की सब्जी। तो बहुत टेस्टी बनती है, तो आप लोग भी बनाइए। पूड़ी बनाने के लिए चने की दाल लिए हैं। इस प्याले से 2 प्याला लिए हैं चने की दाल। दाल को धुल लिए हैं, अब कुकर में डाल के बॉयल करेंगे। 2 गिलास पानी डालेंगे दाल में। 4 से 5 कली लहसुन डालेंगे और ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। 4 से 5 सीटी लग गया है। आइए अब दाल चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी दाल अच्छे से गल गई है। अब इसको मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। दाल पीस चुका है, अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये भुना हुआ जीरा लिए हैं, इसे हाथ से क्रॉस करके डाल देंगे। एक चम्मच मिर्चा पाउडर डाल देंगे। पूड़ी के लिए आटे के डो लगा लेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 चम्मच तेल डाल देंगे। आटे का डो बनके तैयार है। आटे के लोई लेंगे, ऐसे गोल करके ये दाल का फिलिंग डाल देंगे। ऐसे दबा दबा के इसको बंद कर लेंगे। अब पूड़ी को बेल लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब पूड़ी को तेल में डाल के छान लेंगे। पूड़ी को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए हमारी पूड़ी बनके तैयार हो गया है। खीर बनाने के लिए 1 कप चावल लिए हैं, उसको पानी डाल के 10 से 15 मिनट के लिए भिंगो देंगे। चावल को मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के पीस लेंगे। बहुत पतला नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। अब घी डालेंगे और 2 इलायची डालेंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब 2 पैकेट दूध लिए हैं, उसको डाल देंगे। दूध को खौला लेंगे अच्छे से, फिर चावल डाल देंगे। खीर को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। इस प्याला से 1 प्याला चीनी डालेंगे और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ऑप्शनल है। और डाल के अच्छे से पका लेंगे खीर को। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे कटे हुए। खीर बन गया है। आइए खीर को प्याले में निकालते हैं। थोड़ा सा कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे ऊपर से। लीजिए बनके तैयार है आलू की सब्जी और चने की दाल की पूड़ी और खीर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।